राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स के बारे में कि सफ़ेद मक्खी यदि फसलों के ऊपर लग जाती है तो इससे हम अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि जब सफ़ेद मक्खी खेत के अंदर लगती है तो पूरे खेत का सत्यानाश कर देती है। पूरे खेत के अंदर बिल्कुल आप ऐसे माने जैसे कि ब्रह्म युद्ध चला हो, इस तरीके से पूरे खेत की हालत ख़राब हो जाती है और पूरे खेत के जितने भी हमारे पत्ते होंगे उन पत्ते को खाना चूसना शुरू कर देती है, जिससे जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी पैदावार होती है, उन पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स ने इतना ज़्यादा हालत ख़राब की हुई है किसान भाइयों की, चाहे तो हमारी टमाटर की फसल हो, भिंडी की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, या फिर किसान भाई हमारी कपास की फसल हो, इन पर इनका इतना ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है कि सफ़ेद मक्खी तो ऐसे माने कि पूरे पौधे को कुतर कुतर के खाना शुरू कर देती है और पूरी फसल की हालत ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर आज मैं आपको 2 से लेकर 3 ऐसे टेक्निकल बताने वाला हूँ कि इनका उपयोग यदि आप अपनी फसल के अंदर करते हैं तो मात्र 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर आपकी फसल के ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और जितनी भी सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स का अटैक आपको अपनी फसल के ऊपर दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल ही किसान भाइयों ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने जो 2 टेक्निकल अलग अलग लिए हैं, यदि आपकी फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी का अटैक कम है तब आपको जो मैं पहला वाला फार्मूला बताऊँगा आपको इसका उपयोग करना है, और यदि आपकी फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में है तब आपको किसान भाइयों दूसरे वाले फार्मूले का उपयोग करना है। जैसे ही आप इनका उपयोग करेंगे आपको बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। तो जब आपकी फसल के अंदर कम अटैक है उस समय पर आप सेफेक्स कंपनी का उपयोग कर सकते हैं, एसिटामेप्रिड 20% SP फार्मूलेशन के साथ। जो एसिटामेप्रिड है ये ऐसा नहीं है कि सेफेक्स का ही आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसका उपयोग अपनी फसलों में करेंगे। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रेट आपको इसका देखने को मिलेगा। इसकी डोज की बात करूं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रेट किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो 460 रुपये का किसान भाइयों आपको ये लगभग 250 ग्राम देखने को मिलता है। यानी कि यदि मैं 1 एकड़ खर्च की बात करूं तो 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग आपका 150 से लेकर 200 रुपये का खर्चा किसान भाइयों देखने को मिलेगा और मात्र 150 से 200 रुपये में आप अपने फसल के अंदर से सफ़ेद मक्खी के अटैक को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी फसल के अंदर कम मात्रा में सफ़ेद मक्खी का अटैक है तभी आपको इसका स्प्रे करना है, यदि ज़्यादा मात्रा में है तो जो मैं आपको दूसरा टेक्निकल बताने वाला हूँ आप उसका उपयोग करें। 100% आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद मक्खी का यदि अटैक दिया गया है तब उस कंडीशन में किसान भाइयों आप पायरीप्रोक्सीफेन 10% EC फार्मुलेशन के साथ जो हमारा टेक्निकल आता है इसे आप ले सकते हैं। ये किसान भाइयों आपको लेनो इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग जैसे ही आप अपनी फसलों पर करते हैं तो ये जो हमारी सफ़ेद मक्खियों के अंडे होते हैं इन अंडे को ख़त्म कर देता है, सफ़ेद मक्खी को ख़त्म कर देता है, जिससे कि जो इनकी आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है और फिर हमारी फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं इसकी डोज की तो लेनो इंसेक्टिसाइड यानी कि पायरीप्रोक्सीफेन 10% EC का जो आपको उपयोग करना है वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम ये आपको निकाल करके दे सकता है। बात करूँ इसकी कीमत की तो इसकी जो कीमत है किसान भाइयों 1 लीटर की कीमत लगभग 1000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है, यानी कि आपका प्रति एकड़ का खर्चा जो आएगा वो लगभग 400 रुपये के आसपास आने वाला है। तीसरे टेक्निकल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी किसान भाइयों बहुत ही हैवी है और ज़्यादा मात्रा में अटैक होने पर आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको साल्ट मिल जाता है वो मिल जाता है फ्लोनिकामिड 50% WG फॉर्म यानी कि वाटर ग्रेन्यूल फॉर्म में इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको सवाल कंपनी का पैनामा के नाम से मिल जाएगा और UPL कंपनी का किसान भाइयों उलाला के नाम से देखने को मिल जाता है। ये भी अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकता है। लेकिन सभी कीटनाशकों का उपयोग करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपके खेत के अंदर नमी होनी 100% अनिवार्य है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो इससे आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। यदि इनके डोज की बात करूं तो 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फिलोनिकामिड 50% WG का उपयोग अपनी फसल के अंदर आप करेंगे तो बेहतर परिणाम यह आपको निकाल करके देगा। इसकी कीमत की बात करूं तो इसके 1 किलोग्राम के पैकेट की कीमत लगभग 7200 रुपये के आसपास देखने को आपको मिल जाएगी। प्रति एकड़ खर्च की बात करूं तो लगभग 650 रुपये के आसपास का खर्चा आपका
आ जाता है और इससे आप अपनी फसल को आसानी के साथ सफ़ेद मक्खियों से बचा सकते हैं। ध्यान दें, नमी होनी आवश्यक है, पानी की मात्रा कम ना करें। एक एकड़ में कम से कम आपको 160 से लेके 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।